अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आपका हाल चाल कैसा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर बिरयानी भी तैयार थी, तो ऑलमोस्ट बिरयानी भी खा चुके हैं हम। बहुत मज़े की टेस्टी बिरयानी बनी थी, तो मैंने सोचा कि वीडियोस तो बहुत सारे हैं, अभी सही के लिए वक्त मैंने नहीं बनाई दम बिरयानी। तो खाना भी खा चुके, अभी रसगुल्ले उठा के हम फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा चिल बनाएंगे खीर के साथ। तो सारे मिर्चा अच्छी तरह से सूख गए, इसके दंट निकालेंगे बाद में, इसे लेके हम मशीन को जाएंगे। तो मिर्चा को हम लोग इस तरह से घर में लाके क्लीन कर लेना चाहिए, नहीं तो इस ये दाल के पिसाने से कलर पूरा शेड हो जाता है मिर्चा का। तो मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, यहाँ पर देखिए कलर इससे बहुत बढ़िया आता है। तो मिर्ची सब साफ़ करके यहाँ पर मशीन पे आ गए, दूसरी मशीन पे गए तो पूरा मिर्चा तोड़ को ले लग जाना या कूट के ले लग जाना। यहाँ पर ऐसा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर पाउडर बना सकते हैं इस मशीन में डाल के, ये अच्छी तरह से तो इस मशीन में डाल के क्रश करके दूसरी मशीन में उठा के ये पाउडर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इस मशीन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अच्छा है यहाँ का सिस्टम, पैसे भी कम और काम भी, मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हम लोग को लेके गए, आराम से उसके हाथ दिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से पाउडर बना के उस मशीन में। यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स भी बना सकते हैं इस तरह से। देखिए मिर्चा आटे को मैंने पिसा लिया है, पीसने के बाद थोड़ी देर ठंडे को छोड़ना है, नहीं तो आटा काला हो जाएगा, ये मिर्ची का बुकनी का कलर शेड हो जाएगा। और इसमें चावल कटा, धनिया, यहाँ पर देखिए पिसा लिया है ठंडे के लिए, रखी हूँ। कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह। इस तरह के कुछ ना कुछ काम होते हैं मेरे घर में। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मिर्ची कटा बनने के बाद उसे मैं घर में रख के, थोड़ा सा बाहर मुझे काम था तो यहाँ पर आई थी, तो ये थर्टी पीस बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे घर में ऑलरेडी थे बल्ला के गिफ्टस बहुत आए थे, तो ऐसे ही देख रही थी। ऐसे चीज़ें छोटे मोटे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वहीं पर देख रही थी, ऐसे ही एक वीडियो भी बना ली हूँ। यहाँ पर प्राइस भी अच्छे थे देखने में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की चीज़ें थे, वही देख के आ रही थी मैं भी। कभी कभार इस तरह से मैं चले आती हूँ, तो कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जो भी कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन वीडियो से देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों लाइक नहीं कर रहे, तो कमेंट्स तो आ रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक भी कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे आइटम थे, बहुत सारे, तो मेरा वीडियोस आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका सपोर्ट इसी तरह से, आपका प्यार मेरे साथ इसी तरह से जुड़ा रहने की अल्लाह ताला से बेहद दुआ करती हूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट बार मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, नए नए कुकिंग्स, जो भी मेरा रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। कि जो हाँ भी मैं दरगाह पे जाती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं ज़रूर से याद से दुआ में भी याद रखती हूँ, आप भी मुझे दुआ में याद रखिए। यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल आइटम भी थे, थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे काम था तो इसलिए यहाँ पर आई थी, बहुत दिन हो गया था यहाँ भी आके। तो यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल, किन किन को आर्टिफिशियल आइटम पसंद आते हैं इस तरह के, मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए। सारा कॉम्प्लेक्स देखने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत भूख लग गई है, यहाँ पर कचौरी तब का तब बना के देते हैं फ्रेश, तो वही हम बाहर ट्राई कर रहे थे। जलेबी भी साथ में गर्मा गर्म, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत लिए, ज़्यादा बाहर का तो मैं अवॉइड करती हूँ, थोड़ा बहुत चखने के लिए ले लिए हैं। तो यहाँ पर जलेबी बहुत गर्मा गर्म अच्छी मिलती है कचौरी ठंड में। घर में बना बना के मैं थोड़ा सा और शेक कर ले रहे हैं।
एक दिन आपको ज़रूर से पूरा कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है वो सब भी वीडियोज़ बना के शेयर करूँगी। आप फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं था, थोड़ा बहुत ही दिखाई हूँ। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है और यहाँ जल्दी मैं विज़िट करने वाली हूँ और भी कुछ यहाँ का वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। हर लेडीज़ के लिए ज़रूरत के चीज़ जो उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। देखते रहिए मेरे वीडियोज़, आपको पता चलेगा। और ख़ासो ख़ास मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सब कुछ अंदर होने के बाद थोड़ा बाहर आई तो मेरा तो जान खुश हो गया। आप लोगों को पता है कि मुझे आर्केस्ट्रा बहुत पसंद है। यहाँ पर गणेशा फेस्टिवल चल रहा था तो मैं यहाँ पर देखते देखते रुक गई थी। आर्केस्ट्रा देखने के बाद अभी हम चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत बारिश भी आने वाला था तो इसीलिए मैं घर आके लंच भी या डिनर शायद डिनर तो बनाना था मुझे। बेजार हो गया तो इस तरह की चटनी बहुत अच्छी रहती है। लहसुन
कश्मीरी मिर्ची पाउडर और मिर्ची पाउडर जो तीखा तेज़ वाला आती है वो, और यहाँ पर आधा किलो टमाटर और अमली थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, एक नींबू होती। तो ये बनाना बहुत ईजी है, तो मुझे इस तरह से कभी कभार अच्छी लगती है कि मुझे कभी सालन पकाने बाजार आ गया तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। सबको भी आता है हल्का ही, कभी कभार सोच सोच के बनाना पड़ता है ना। तो लहसुन को भी डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना चाहिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन राई काली मिर्च। यहाँ पर मैं जीरा भून के अभी अच्छी तरह से कलर से भुनना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह से कलर आना चाहिए जीरा का, भून के रखी हूँ। दो स्पून है जीरा ये, तो अभी अदरक का कुछ ज़्यादा डालिए, खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके साथ में चिकन मसाला या मटन मसाला या कबाब, इस तरह के आइटम बहुत अच्छे लगते हैं टमाटर चटनी के साथ। तो अभी लहसुन लाल हो गया है, अभी ये मसालों को भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अच्छी तरह से भूनेंगे, नहीं कलर शेड हो जाएगा मसालों का। तो इसके साथ साथ में इसी में नमक डाल के रखी हूँ मैं, टमाटर में पीस के छान लिया है। पानी नहीं डालना टमाटर में, अभी सस्ते हैं टमाटर, इस तरह से बना के दो तीन दिन तक रख सकते हैं आराम से, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के। अभी इसे अच्छा पकाएंगे, जब तक तेल ये अच्छी तरह से ऊपर नहीं आता तब तक इसे पकाना है। बिस्मिल्लाह। तो साथ में कबाब तो नहीं था, यहाँ पर हम भजिया बना लें चाखने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, पर टमाटर चटनी के साथ हो या अचार के साथ, इस तरह कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का रूटीन मेरा इतना था, ये वीडियोस आने वाला है, ये कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। ज़रूर से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए मेरे वीडियो को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिए गर्मा गर्म घर में बनाए हैं, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट तरीके से बने हैं रसगुल्ले। आप भी ज़रूर घर में ही बनाइए।